हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन हब। आज हम पीनट बटर बनाएंगे। रेसिपी बहुत इजी है और इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। मैं यहाँ पर एक कटोरी कच्ची मूंगफली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रोस्टेड पीनट यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बना लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको पैन में बिना घी डाले रोस्ट कर लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और पीनट्स को लगातार चलाते रहेंगे। मेक श्योर कि आप पीनट्स को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लें, अदरवाइज़ जब हम बटर बना लेंगे तब इसमें कच्चेपन का टेस्ट आएगा। पीनट बटर आइज, बोन्स और स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही जिनका वेट इंक्रीज़ नहीं होता उनके लिए 100% वर्क करता है। पीनट्स हमारी प्रॉपरली रोस्ट हो गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तब इसको मसल कर इसका पील उतार लेंगे। पील रिमूव करने के बाद पीनट्स को मिक्सी के जार में डाल देंगे और सिर्फ 2-3 सेकेंड के लिए मिक्सी को चलाकर उसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। बटर को स्वीटनेस देने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच हनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच गुड़ वाली शक्कर यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही हेल्दी ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। पीनट बटर में नमक, हनी या शक्कर, चीनी सब कुछ ऑप्शनल होता है। अगर आप कुछ भी डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप तीनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। पीनट्स के प्रॉपरली ग्राइंड होने तक मिक्सी को चलाएंगे। पीनट बटर हमारा रेडी हो गया है। आप इसको कांच के बर्तन में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये 10 से 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। ब्रेड पर ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, जिससे आप सैंडविच भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।